नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सनातन मसले को लेकर। सनातन मसले को लेकर विपक्ष लगता है कि इस मसले पर जो है विपक्ष के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सनातन धर्म की आलोचना करने वालों को लताड़ लगाई है और मध्य प्रदेश के बीना में सभा को उन्होंने संबोधित करते हुए इंडिया INDIA को जो है घेरे में लिया है और कहा कि कुछ दल समाज को विभाजित करने में लगे हैं, भारत की संस्कृति पर हमला करना उनका मकसद है। और एक बार पहले भी सनातन धर्म विवाद पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं से कहा था कि इस विवाद का सख्ती से जवाब दें। प्रधानमंत्री ने दोबारा सनातन मुद्दे पर बोलकर यह जता दिया कि 2024 में ये मसला जो है BJP का ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इस मसले को उठाया जा रहा है उससे साफ है, प्रधानमंत्री ने के जो आज शब्द थे उससे साफ हो गया है कि ये मसला ऐसे ही नहीं रहने वाला है और ये इंडिया में जो है एक इंडिया के लिए गले का ये फांस बनने वाला है। DMK जो है इस मसले को लेकर अब बैकफुट पर है। सनातन धर्म पर जो विवाद था, जिस तरह से तमिलनाडु के CM MK Stalin ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सनातन धर्म पर अब जो है बयानबाजी न दें और इसका फ़ायदा BJP उठा रही है, आए दिन BJP कोई ना कोई मंत्री इस मुद्दे पर बोल रहा है। स्टालिन ने साफ तौर पे कहा कि इस मुद्दे पर बात करने के बजाय NDA गवर्नमेंट के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता के सामने लाना चाहिए। और जिस तरह से अचानक DMK के बैकफुट पर आना यही संकेत दे रहा है कि पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं उससे गलती हो गई। उसके नेता द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया और उसके बाद कई और नेताओं द्वारा इस पर उनके समर्थन में बयान दिए जाने से ये मामला जो है ज़्यादा तूल पकड़ लिया और BJP अब इसे 2024 चुनाव को लेकर ब्रह्मास्त्र की तरह इसे यूज़ करेगी। अब जो है खुद को मॉडरेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु के CM स्टालिन और डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। शुरू में तो अपने बेटे के बचाव में आए थे, लेकिन अब जो है इस मसले को लेकर उनको लगने लगा है कि ये मसला उनको भारी पड़ सकता है और इसीलिए उन्होंने इस मसले पर अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना ये दिखाता है कि अब वे बैकफुट पर हैं। और BJP इस मसले को लेकर आक्रामक है। रोज़ जो है BJP के नेता, BJP के मंत्री इस मसले को लेकर INDIA पर सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में ये लगता है कि सनातन का मसला जो है विपक्ष के लिए एक मुश्किल साबित होने वाला है।